के साथ नवनीत राणा को मिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ अमरावती। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र की 38 सीटों में से कांग्रेस की 26 सीटों पर, जबकि राकापा 22 सीटों के दावेदारी हुई है। दोनों पार्टियों अपने अपने कोटे से दो दो सीटों सहायक पार्टियों को देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन को दी जाएगी, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी को एक सीट दी जाएंगी। वहीं निर्दलीय रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा के युवा स्वाभिमान के हिस्से में एक सीट दी जाएंगी। यह घोषणा महागठबंधन के नेताओं ने शनिवार को किया। मुंबई से यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी है। गैर मतलब है कि विगत काफी दिनों से नवनीत को राणा को राकापा कांग्रेस के समर्थन की बात कही जा रही थी। आखिरकार सफल रहे रवि राणा ने दोनों भी कांग्रेस को अपने सभी को चौंका दिया है। दिनेश भूप की भूमिका पर टिकी सबकी नजरें। नवनीत राणा को कांग्रेस राकापा का साथ मिलने के बाद अब देखना यह होगा कि राकापा की टिकट पाने का लगातार प्रयास करने वाले पार्षद दिनेश भूप क्या फैसला लेते हैं। यह बता दे कि भूप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट देने के लिए खोड़गे ने अपने वरिष्ठों से भूप की ही नाम का प्रस्ताव भेजा था, मगर खोड़गे की यह रणनीति इस बार भी काम नहीं आई। और उधर भूप राकापा की टिकट नहीं मिलने से उनको चाहने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब भूप निर्दलीय चुनाव लड़ने है या फिर किसी अन्य उम्मीदवार को अपना समर्थन घोषित करते हैं, यह तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में भूप की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आदित्य की उपस्थिति में पर्चा जरेंगे अरसूर। इस बीच खबर है कि शिवसेना भाजपा के उम्मीदवार सांसद आनंदराव अरसूर आगामी 25 मार्च को अपना नामांकन पर्चा करेंगे। इस दौरान युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे अमरावती के साथ यवतमाल और बुलढाणा में जाएंगे। यहां वह यवतमाल में भावना गवली और बुलढाणा में प्रतापराव जाधव का नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर शिवसेना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने कार्य में जुट चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ठाकरे की उपस्थिति में कुछ अन्य दलों के कार्यकर्ता शिवसेना में प्रवेश ले सकते हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.